किसानों का है, देश चासा करने वालों का है, देश हमारा है। यह तो दिमाग में हमने भर दलो, हमने इतिहास के खत्म करके बता दलो राजा के देश लग लो, कभी देश राजा का नहीं हलय, देश किसानों का हलय, राजा गर्दन काट हलय, वो गर्दनवा काटल बाद जो मुड़िया हलय, मुड़िया के मांस से लोग पेट भर ले, की भारत आजाद भई गेलो, जमीन भारत सरकार के लगो, जमीन भारत सरकार के लगो, चल जो एसडीओ है यहाँ सरवा कहतो जमीन भारत सरकार के लगो, चल जो सीओ है यहाँ कहतो जमीन भारत सरकार के लगो, यदि अमरी कहतो भारत सरकार के लगो तो सीओ के नकवा टाइन के कनवा खींच के बाहर आने तो नहीं, और कहो सीओ दिखाओ कण कितवा में लिखल हो जमीन वा भारत सरकार के लगो, और हम देखेबो कितवा जनता तोर बाप भी मानतो, भारत के संविधान 39B में लिखा लो, 243 में लिखा लो कि भौतिक संसाधन में जन समुदाय की भागीदारी जन समुदाय के बीच बराबर का वितरण होना चाहिए। कहां लिखा लो भौतिक संसाधन मने ठेका पत्थर गिट्टी चूना छड़ी पाला पात पाला कोयला यूरेनियम चूना भौतिक संपदा कहां लिखल है, कहीं नहीं लिखल है, तो कहे भाई इतना बोका हमने कैसे न हटे, हमने जाने नहीं गले, अपन इतिहास भुलाई गले, नियम कानून भुलाई गले, सही खातिर कह दलो आप तो रसीद कटाते हैं, अरे रसीद अंग्रेज काटा है, यानी आप अंग्रेज है, रसीद काटने का नियम भारत में कब आया है, कब आया है, क्या बुद्ध काल में रसीद काटा जाता था, मौर्य काल में रसीद काटा जाता था, नहीं, रसीद काटने का नियम अंग्रेज का है। तब तो भाई बड़ा सवाल है भारत सरकार से, क्या भारत सरकार है कि अंग्रेज की सरकार है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, यही समस्या है कि हम लोग समझ नहीं पाए, देशभक्ति के नाम में एगो फारसी टाटा को सारा संपत्ति दे दिया, हम समझ नहीं पाए, आज समझना होगा, आज लड़ना होगा, आज एकजुट होना होगा, इसलिए पहले नियमों को जानिए, पहले कानूनों को जानिए, आज हम लोग नियम कानून से बात कर रहे हैं इसीलिए ना लोग डर रहे हैं, इससे पहले लोग डरा ले तुरते लाठी डंडा मार के साइड कर दलो, अरे अब तो नियम कानून के बात हो रहा है ना, 32 के उदाहरण 32 प्रकार के दे रहा लिए, एकर से पहले कोई नेता से पूछा अलग के मंत्री जी आप 32 का बात करते हैं, 32 तो अंग्रेजों के टाइम का है, अनुसूची 9 में कैसे शामिल होगा, खाली मंत्री जी रुक जाइए हम है ना पीछे खड़ा, भारत संविधान 66वां संशोधन 1990, भारत का संविधान संशोधन 66 नंबर 1990 क्या संशोधन हुआ था, सीएनटी कानून 1908 अनुसूची 9 में डाला गया था, आजाद भारत में 1990 में 1908 का कानून अनुसूची 9 में शामिल हुआ है, 1932 का है नहीं होगा, कहे नहीं होगा, आइए उत्तर दीजिए, और बोलिए मुख्यमंत्री को उत्तर देने ना आए, बड़ी मुश्किल से इंटर पास किए हैं हम लोग, पीएचडी कर रहे हैं, भेजिए मुख्य सचिव को, आईएएस लेवल के आदमी को भेजिए, बात उनसे करेंगे, कहे नहीं 32 होगा जी, जब 1908 1990 में जोड़ा गया तब का सुतल थे, कहे नहीं होगा, अरे इसीलिए नहीं होगा ना कि अंग्रेज का टाइम का है, तो जाइए शुरुआत कीजिए, रेल पटरी को काट के फेंकिए, अंग्रेज का है, अंग्रेज का है।